Good morning, students. I am your English teacher, and today we are going to read chapter number 5, A Different Kind of School. Ek alag prakar ka vidyalaya school. Do you know these words? Kya aap in shabdon ko jante hain? If you don't, agar aap nahi jante hain, find out their meaning. Inke jo meaning hai, उनको उनका पता लगाइए. क्रच होती है बैसाखी, जो मतलब जो लंगड़े आदमी होते हैं वे उसका सहारा लेकर चलते हैं. क्रीपल होता है लंगड़ा आदमी, जो अपंग होता है. ऑनर सम्मान, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, सिस्टम व्यवस्था. लुक एट द पिक्चर ऑफ दिस अंटिल एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल. भाई लुक एट द पिक्चर को देखिए और अनुमान लगाइए कि भाई ये स्कूल जो है किस प्रकार से दूसरे विद्यालयों से अलग हो सकता था. आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल. मैंने मिस बीम के विद्यालय के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था. बट नॉट टिल लास्ट वीक, लेकिन पिछले सप्ताह तक नहीं. डेड द चांस कम टू विजिट अस, क्योंकि पिछले सप्ताह मुझे उसके स्कूल में जाने का अवसर मिला, तो उस पिछले सप्ताह तक मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मैं सब समझ गया था. तो इसका मीनिंग ये है बेटे, व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया. बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, लेकिन एक 12 साल की लड़की, हर आइज वर कवर्ड विद ए बैंडेज, उसकी जो आँखें थी पट्टी से ढकी हुई थी. एंड शी वाज बींग लेड केयरफुली, और बड़ी सावधानी से उसको ले जाया जा रहा था बिटवीन द फ्लावर बेड बाय ए लिटल बॉय. जो फ्लावर बेड थे, दोनों तरफ फ्लावर बेड थे, फल फूल लगे हुए थे, उनके पास से एक छोटे से लड़के के द्वारा उसे बड़ी सावधानी से ले जाया जा रहा था. हु वाज अबाउट 4 years यंगर, जो लगभग उससे 4 साल छोटा था, यंगर था. शी स्टॉप्ड, वह रुक गई. एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. वह रुक गई. एंड इट लुक्ड, और ऐसा दिखाई दिया, इस तरह का दिखाई दिया. शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा. हु हैड कम, कौन आ गया था. ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. ही सीम्ड, वह दिखाई दिया. टू बी डिस्क्राइबिंग, वर्णन करते हुए मेरे को टू हर. He seemed to be describing me to her. वह जो है मेरे को उससे बताते हुए दिखाई पड़ा कि भाई ये मेरे बारे में बता रहा है. Then they passed on, तब वे गुजर गए. Miss Bean was all that I had expected. Miss Bean all that, वो सब थी जिसके बारे में मैंने इच्छा की थी. जैसी मैं सोचता था Miss Bean कि जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, जो उसका अथॉरिटी थी, पावर थी, जो उसका सब ऐसा ही था. मिडिल एज्ड, मध्य आयु की, फुल ऑफ अथॉरिटी, पूर्ण अधिकारों से भरी, पूर्ण अधिकारों से सुसज्जित, येट काइंडली, फिर भी दयालु, एंड अंडरस्टैंडिंग, और अच्छी समझ बूझ थी. हर हेयर वाज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उसके जो बाल थे वो क्या थे, बिगनिंग टू टर्न ग्रे, वे जो है सफ़ेद हो रहे थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, और वह एक प्रकार से थोड़ा सा मोटा फिगर था, शरीर था. दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होमसिक चाइल्ड, जो एक तरह से एक घर से होमसिक जो बच्चा होता है, घर से दूर रह करके कंफर्टिंग महसूस करता है, जो
उस तरह से उसका जो फिगर था प्लम फिगर इस तरह से दिखाई दे रहा था जैसे कोई होमसिक चाइल्ड अपने आप को कंफर्टिंग फील करता है या कंफर्टिंग की तरह से दिखाई देता है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा सम क्वेश्चन, कुछ पर्सन मैंने उससे पूछे अबाउट हर टीचिंग मेथड, उसके जो शिक्षण के जो तरीका था उसके बारे में मैंने कुछ पर्सन पूछे, विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जिनको मैंने सुना वे बहुत ही साधारण थे। नो मोर देन आई इज नीडिड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, नो मोर देन इज नीडिड, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं थी टू हेल्प देम टू लर्न, उन चीज़ों को सीखने में मदद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। हाउ टू डू थिंग्स, ये सब कैसे कर रहे थे, ये सब चीज़ें कैसे हो रही थी, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम, द रेस्ट इज डन, जो बाकी का जो कार्य था बाय रीडिंग टू देम, उसको रीडिंग करने के बाद एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक और उसकी बड़ी रोचक बातें ड्यूरिंग इस दौरान, विच दे गेव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, इस दौरान विच दे हैव टू सिट स्टिल, जो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को बिल्कुल शांत रखी हुई थी। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, या देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, यहाँ पर जो प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से दूसरे लेसन्स नहीं हैं। द रियल होम एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच, जो रियल एम है, जो वास्तविक जो उद्देश्य है इस विद्यालय का, वो ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, मतलब ज़्यादा जो थॉट जो पढ़ाने हैं, विचार जो पढ़ाने वे नहीं है, है तो टीच थॉटफुलनेस, वो शिक्षा क्या देनी है कि विचारों से किसी को परिपूर्ण करना है, काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दया दिखानी है, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेवार नागरिक बनना है। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, एक मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखिए, विल यू, क्या आपको लगेगा कि हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो व्यवस्था है, वो किस प्रकार की है। आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया, विच ओवर लुक्ड ए लार्ज गार्डन, जो एक बहुत बड़ा सा गार्डन मेरे को दिखाई दिया, एंड ए प्लेग्राउंड एट द बैक, और एक खेल का मैदान पीछे की तरफ। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैं कुछ बहुत ही सुंदर मैदान देखता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, एंड ए लॉट ऑफ जोली चिल्ड्रन, और बहुत सारे हंसी मजाक करते हुए बच्चे। इट पेन्स मी, ये पेन्स माने कष्ट देना या चुभना, ये मेरे को चुभता है। दो यद्यपि टू सी दैट, ये देखते हुए, दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, कि वे सारे स्वस्थ नहीं हैं, एंड एक्टिव लुकिंग, और एक्टिव दिखाई देने वाले नहीं हैं, ये बात मेरे को चुभती है। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर गया, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बींग लेड अबाउट, आई सा, मैंने देखा एक बेचारी लड़की, एक बहुत ही पुअर लिटिल गर्ल, एक बहुत ही सिंपल सादी साधारण सी लड़की, बींग लेड अबाउट, उसको ले जाया जा रहा था। शी वॉज सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, नाउ आई कैन सी, अब मैं देख सकता था दो और बच्चों को विद द सेम डिफिकल्टी, उसी परेशानी के साथ। एंड देयर इज ए गर्ल विद ए क्रच, और वहाँ पे एक लड़की थी जिसके पास बैसाखी थी, वॉचिंग द अदर्स टू एट प्ले, जो दूसरों को खेलते हुए देख रही थी।
शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल. शी सीम्स वह दिखती है कैसे, होपलेस क्रिपल, एक मतलब अभागी, अपंग दिखाई देती है वो. मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम जो हंस पड़ी. ओ नो, अरे नहीं, शी सेड, उसने कहा. शी इज नॉट रियली लेम, वह वास्तव में लंगड़ी नहीं है. दिस इज द ओनली हर लेम डे, ये केवल उसका लेम डे है. लेम डे मतलब उसका लंगड़ा बनने का दिन है. तो मिसिस बीम के स्कूल के अंदर क्या है बेटे, हम आगे आगे रीड करेंगे. अलग अलग डे होते हैं, कोई लेम डे होता है, कोई ब्लाइंड डे होता है, कोई डम्ब डे होता है. किसी दिन गूंगा रहना पड़ता है, किसी दिन लंगड़ा बनना पड़ता है, किसी दिन जो है बहरा बनना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अलग अलग डे के अंदर परफॉर्म की जाती थी. तो इसलिए यहाँ पे बताया गया दिस इज ओनली हर लेम डे, ये उसका केवल एक लेम डे था, लंगड़ा दिन था. तो इसलिए उसके जो बैसाखी थी उसके पास, तो रियल रियली शी इज नॉट लेम. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, दूसरे जो हैं अंधे नहीं हैं. एदर इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये उनका केवल अंधा दिन है, मतलब अंधा रोल, अंधे का रोल करने का दिन है. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा हैरानी के साथ मैं दिखाई दिया उसको. लेकिन शी लाफ्ड अगेन, वह फिर से हंस पड़ी. दिस इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी व्यवस्था का. टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, कि हम अपने बच्चों को प्रशंसा करें अपने बच्चों की, एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, और जिसके साथ दुर्भाग्य, जिसके साथ कोई मिसफॉर्चून या दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना घटित होती है, तो हम उसको समझें. तो ये हमारे बच्चों को आज इस तरह से समझाने का ये तरीका है. वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, वी मेक देम शेयर, हम उनको इस दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं घटित होती हैं उसके अंदर शेयर करते हैं, हिस्सा बनाते हैं हम भी बच्चों को, कि किस तरह से कोई अपाहिज है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, तो किस तरह से वो अपनी लाइफ के अंदर किस तरह से जीता है. ईच ट्रम, एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे. ईच ट्रम, प्रत्येक ट्रम जो होता है, प्रत्येक बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है. वन लेम डे, एक लेम डे होता है लंगड़ा दिन. वन डेफ डे, एक बहरा दिन. वन इंजर्ड डे, एक घायल दिन, मतलब एक दिन जो है बच्चे को ऐसे एक परफॉर्म करना पड़ता है कि वो घायल है. एंड वन डम्ब डे, और एक दिन जो है डम्ब डे होता है, गूंगा बन के जो है परफॉर्म करना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है कि गूंगा व्यक्ति जो है किस तरह से अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जो ब्लाइंड डे के दौरान, देयर आइज आर बेंडेड एब्सोल्युटली, उनकी आँखों को जो है ना पूर्ण रूप से पट्टी बांध दी जाती है. एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नोट टू पी, और उनको उनके सम्मान पे छोड़ दिया जाता है कि वे उन पट्टी के अंदर से झांक के ना देखें. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट, जो पट्टी होती है ना जो रात को ही बांध दी जाती है. सो दे वेक ब्लाइंड, इसलिए वे जब आँख खुलें तो वह अंधे बनकर ही उनकी दिन निकले, या उन भी उठें तो उनकी अंधे के रूप में ही उठें. दिस मीन, इसका अर्थ है दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका अर्थ है कि दे नीड, उनको जरूरत पड़ती है मदद की विद एवरीथिंग, प्रत्येक चीज के साथ. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, दूसरे बच्चों की ड्यूटी लगाई जाती है कि उनकी मदद करें. एंड लीडिंग देम.